नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं मनोरंजन डिजिटल। इस बार हम बात करेंगे लालकुआ के एक ऐसे विधायक की जो लगातार वायरल हो रहे अपने वीडियो से सुर्खियां बने हुए हैं। और पहला मामला है हल्द्वानी के सर्किट हाउस का, जहां विधायक और डीएम के बीच वाक युद्ध चल रहा है और बगल में बैठे माननीय सांसद इस गर्मा गर्म बहस का आनंद ले रहे हैं। और पेश है पहला वीडियो। आज हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए आपसे जब बात हुई। एक मिनट, आपको मैं सबूत दिखाती हूं। ये हिमांशु के मैं तो काम चाह रहा हूँ बस। मुझे तो केवल काम से मतलब, मुझे कोई विवाद से मतलब नहीं है। मैं तो आपको बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उस दिन सबसे पहले तो मैंने इसी बात को आपसे कहा कि उस दिन जब वहाँ पर ये बड़ी बड़ी था अच्छा बड़ी दी जाएगा बड़ी। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे जिसमें लालकुआ विधायक और कांग्रेस नेता के बीच इसी मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हो रही है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर काफी तीखा नजर आ रहा है। पेश है दूसरा वीडियो। आपके समय रहते किसी बार काम उससे आज जब मैं कह रहे हैं पूरे साल भर में आपने कितनी बार काम उससे ज्ञापन दिया किसको दिए? एक आधा ज्ञापन भी नहीं दिया। आज पहली बार कह रहे हैं इस बात को। जब मैं किसी कार्यक्रम में आया हूँ तब आप इस बात को कह रहे हैं। शाम आपने कितनी बार बताइए गलत बात है। यहाँ पर आप बताइए, आपने कागज का टुकड़ा लिखा साल भर में। आज हिंदू सत्ता के नेता एक कागज का टुकड़ा आपने लिखा कि इसको चैलेंज कराओ, इसको काम कराओ। एक कागज का टुकड़ा एक लिखा आपने आप मुझे इल्जाम लगा रहे थे लोगों के सामने। आपने देखे ना घर में कभी आया? आप कभी एक कागज का टुकड़ा लिखा आपने हिंदू सत्ता के लिए? एक कागज का टुकड़ा एक जो यहाँ काम का है। तीसरा वीडियो पहले और दूसरे वीडियो से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें विधायक खुद सिस्टम से तंग आकर गोला नदी में उतरकर चलने से के काम में जुटे हुए हैं, जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। और पेश है तीसरा वीडियो। आज माननीय विधायक जी स्वयं भूखे प्यासे सुबह 7 बजे गोला नदी में उतर चुके हैं। विभाग वालों की, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण इतने दिनों इन्हें डिले करा और आज माननीय विधायक जी ने स्वयं अपने पर्सनल अपने खर्चे से अपने पैसों से कुकलन मशीन मंगाकर गांव वालों के सामने पानी को डाइवर्ट कर विधायक जी खड़े होकर करवा रहे हैं। देख सकते हैं माननीय विधायक जी अपने स्वयं के पैसों से पानी को डाइवर्ट करवा रहे हैं कुकलन मशीन। माननीय विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
विधायक हो तो आप जैसा हो, हमें आप पर गर्व है सर, आई प्राउड ऑफ यू सर। नेता हो तो आप जैसा हो, माननीय विधायक जी स्वयं मैदान में गोला नदी में उतर चुके हैं, देख सकते हैं। नेता तो देखे, आप जैसा नहीं देखा माननीय विधायक जी, आज स्वयं लोगों की चिंता को देखते हुए और आपने अपना हर चीज छोड़ के सुबह पहुंच चुके हैं, पोकलैंड मशीन से पानी को डाइवर्ट करवा रहे हैं। माननीय विधायक जी का मैं सब चीज छोड़ दूंगा, प्रशासन अधिकारियों को देख सकते, जैसे कि आपने देखा इनकी लापरवाही के कारण माननीय विधायक जी आज स्वयं मैदान में उतरे हैं, गोला नदी में देख सकते हैं। जल स्तर थोड़ा बढ़ गया था तो उस वजह से गांव वालों की जमीनों में कटाव ना हो करके माननीय विधायक स्वयं मौके पर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं माननीय विधायक जी। हाँ माननीय विधायक जी पहुंच गए मौके पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय विधायक जी का दुमका क्षेत्रवासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने त्वरित जो भूकटाव हो रहा है एकदम से उसे बाढ़ आई और जो भूकटाव हो रहा है उसमें त्वरित माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम जारी गई है, जो निश्चित निस्संदेह सराहनीय है। मैं सभी क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय विधायक जी का आभार और धन्यवाद। सर माननीय विधायक जी पहुँचे आज गोला नदी पे, अपने खर्च से यहाँ मशीन लगा के यहाँ के लोगों को बहुत राहत दी है, विधायक जी खुद आ रहे हैं काम करवा रहे हैं, कैसा हो रहा है? बढ़िया। विधायक जी खुद भूखे प्यासे कितने यहाँ पर पहुँचे हो आप लोग की चिंता को देखते हुए, चाची सही हो रहा काम? ओ चाची बोल, आज काम कर रहे हैं? राणा जी आप क्षेत्र के निवासी हो, माननीय विधायक जी आप स्वयं खड़े होकर पोकलैंड मशीन से काम कराने क्या बोलना चाहेंगे? खुशी की बात हो सकती है, विधायक जी खुद स्वयं पानी में देव नदी में की बहती नदी में उतरे हैं और गांव वाले समस्त गांव वालों का धन्यवाद दे रहे हैं, सभी गांव वाले भी ने विधायक जी को कि इतनी जल्दी उन्होंने अपने पैसों के खर्चे पे मशीन उतार के अपने खर्चे से काम कर रहे हैं। गैड़ा जी सर आप भी पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? धन्यवाद करेंगे विधायक जी का जो उन्होंने एक ही दिन में ऐसा डिसीजन लिया और क्या नाम कहते हैं तुरंत मशीन दूसरे दिन उतार दी। और ये माननीय विधायक जी ने आज अपने पर्सनल पैसों से मंगाई है, ये प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही थी। कोई विधायक ऐसा नहीं करेगा जो अपने पैसों से अपने बजट से अपने पर्सनल खर्चे से कर रहे हैं। चाचा आप क्या बोलना चाहेंगे माननीय विधायक जी खुद? धन्यवाद विधायक जी यहाँ पर आए हैं काम करा रहे हैं, ठीक है। माननीय विधायक जी खुद आए यहाँ पर, देख सकते हैं आप सभी पोकलैंड मशीन से पानी को डाइवर्ट करा जा रहा है, थोड़ा जलस्तर बढ़ गया था और विभाग वालों की लापरवाही रही थी, उसको देखते हुए माननीय विधायक जी ने क्षेत्रवासियों की चिंता करते हुए आज मौके पर पहुंच के अपने सामने पानी को डाइवर्ट करा रहे हैं माननीय विधायक जी, और सफल भी हो रहे हैं पानी को कितने डाइवर्ट करने में। माननीय विधायक जी ने कहा जब तक मैं पानी को डाइवर्ट नहीं कराऊंगा मैं लोगों के बीच रहूंगा, अपने निजी खर्चे से अपने पर्सनल पैसों से विधायक जी आज मेन ग्रामीणों के बीच आ चुके हैं और पोकलैंड मशीन उतार दी है माननीय विधायक जी, अभी दो मशीनें और आने वाली हैं। मनीष वोरा जी युवा मोर्चा अध्यक्ष जी भी दिन रात माननीय विधायक जी के पद चिन्हों में चल रहे, माननीय विधायक जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक के ये तीनों वीडियो कुमाऊं में चर्चा का विषय बने और हर आम आदमी के मोबाइल पर ये वीडियो देखे जा सकते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के आप बन रही है अमरदार डिजिटल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।